कानपुर में हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े होने के अहम साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे हैं। आपको बता दें कि आरोपी के घर से PFI से जुड़ी चार संस्थाओं के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। यह सभी दस्तावेज फंडिंग से संबंधित हैं। पुलिस ने इन सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही मुख्य आरोपी और उसके संगठन से जुड़े लोगों का बैंक अकाउंट खंगाल रही है, जिसे ये पता लगाया जा सके कि संस्था को फंडिंग कहां से मिल रही थी, हिंसा की साजिश के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस हयात समेत अन्य आरोपी को आज स्पेशल कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 15 दिनों की रिमांड मांग सकती है। आपको बता दें कि पुलिस की टीमों ने शनिवार रात को MMA जौहर फैंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हयात जफर हाशमी के घर छापा मारा। उसके अलावा अन्य आरोपी के घर में भी पुलिस ने दबिश दी। वहां से कई अहम दस्तावेज जब्त भी किए। हयात के घर और उसके मोबाइल के जांच के दौरान AIIC, RIF, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया संस्था जैसे संबंधित दस्तावेज मिले हैं। PFI इन चारों संस्थाओं को फंडिंग करता है, यह बात कई एजेंसियों की जांच में साबित हो चुकी है। ये सभी दस्तावेज फंडिंग से संबंधित है। इन सभी दस्तावेजों से यह जानकारी दी गई है कि आखिर किस तरह से फंडिंग होती है और उसे किस तरह से बांटा जाता है। पुलिस को पूरी आशंका है कि हयात जफर हाशमी भी PFI से जुड़ा हुआ है। इसकी संस्था को PFI समेत अन्य जगह से फंडिंग की जा रही थी। पुलिस जल्द ही इस मामले की पूरी जांच होते ही बड़ा खुलासा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।